अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम दुधेरी बना रहे कोकनी फेमस डिश बड़ी डिश। इसको संजू कपूर ने भी अवार्ड दिया है दुधेरी को। ऐसा बना रहे घर में बना के बता रहे आपको, गैस के चूल्हे पे बना के बता रहे आपको, लाइट के चूल्हे पे बना के बता रहे। ऐसा हमने गैस पे भी बना चुके हैं और चूल्हे भी बना चुके हैं। अभी ये कैसा बनाएंगे वीडियो में देखेंगे। हम 1.5 किलो की दुधेरी बना रहे। आज हम कोकनी डिश दुधेरी बनाए एकदम टेस्ट। अभी इसको कैसा बनाए वीडियो में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 नारियल में 1 किलो आटा लगता है और ये हम बना रहे हैं। ये देखो, ये 2 लीटर दूध है और 1 लीटर दूध है। 2 लीटर है वो पतला है और ये गाढ़ा। किसका दूध है? किसका दूध है? नारियल का दूध है। नारियल का दूध है ये 2 लीटर, 1 लीटर गाढ़ा है। और ये 1/2 किलो चावल का आटा है, 1/2 किलो गुड़ है, स्वाद अनुसार नमक है, थोड़ी सी खसखस है और ये दालचीनी पाउडर है 1 टेबल स्पून, इलायची पाउडर है 1 टीस्पून। अभी इसको बनाने का तरीका बताएंगे। रमाद्री अभी देखो, ये पतला दूध है ना, इसमें ये गुड़ डालने का और उसको पिघला के लेने का। पूरा दूध गुड़ पिघलना चाहिए दूधेरी के लिए, ऐसा गुड़ लेने का, ऐसे कलर का। ये कलर का दूधेरी के लिए गुड़ नहीं लेने का, वैसा लेने का। अभी ये पतला दूध है ना, इसमें गुड़ पिघाल के लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ पिघल गया, देखो पिघल गया गुड़। अभी इसको छानेंगे, टोप लिए अभी इसको छानेंगे। गुड़ के अंदर कचरा रहता ना तो निकलने के लिए छान लेंगे। थोड़ी सी बना रहे तो ऐसी बना रहे। देखो खोपरा जो नारियल का दूध निकाले उसका भी आया, गुड़ का कचरा भी आया। ये लेने का नहीं, फेंक देने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये 1/2 किलो आटा डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी हिलाएंगे, पूरा मिक्स करेंगे, अच्छे से हिला के मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हमने आटा डाल के पूरा अच्छे से घोटे उसको, मतलब चम्मच चलाए अच्छे। अभी देखो इसमें गुठली गुठली कुछ भी नहीं है, सब गुठली भी निकाल दिए। अभी इसको चूल्हे पे रखने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा होना चाहिए बेटर, ऐसा होना चाहिए, न गाढ़ा न पतला है। देखो दिखा रहे ना, ऐसा बेटर होना चाहिए। उल्टा पतले साइड में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतले साइड में रहेगा। जितना टाइम पकेगा उतना अच्छा टेस्ट आता है। हाँ। अभी देखो चूल्हे पे रख दिए, अभी ये 2 घंटा तो भी पकेगा। ऐसा हिलाते हिलाते रखने का, मैं तो नीचे तले में लग जाता है। जितना अपन बेटर पतला बनाएंगे ना उतना वो अच्छे से टुकड़े निकलेंगे, गाढ़ा बन जाता है। पका पका के अभी 2 घंटा इसको पकाएंगे, क्योंकि 8 घंटे की दूध ही बनी रहती है। ये छोटी दूधेरी है, कम है 1/2 किलो की है, इसलिए 1/2 किलो का 1.5 किलो हो जाएगा। इसलिए अभी इसको पकाते रहने का, गाढ़ा दूध गाढ़ा होने अच्छे से पकने लगेगा जब डालने का। अभी ये पतले दूध में पकाने का। 1/2 घंटा हुआ, देखो भाप आने लगी। अभी खाली 1/2 घंटा हुआ है, भाप आने लगी, पूरा गाढ़ा होने लगेगा ना जब गाढ़ा दूध डाल दी। 1/2 घंटा का हुआ? नहीं नहीं नहीं, अपन ने 8:30 बजे चालू करे तो अभी 9 बजने को 10 मिनट बाकी है, 20 मिनट हुआ। 20 मिनट। हाँ देखो 8:30 बजे लिए बनाने, अभी 9 बज गया, अभी इतना गाढ़ा हो गया। लेकिन चम्मच चलाते रहने का, चम्मच को जरा हाथ रुकाने का ही नहीं, एक थक गया तो दूसरे ने हाथ चलाने का,
दूसरा सा थक गया तो तीसरे ने हाथ चला निकाल, ऐसी बात है इधर। बाकी खर्चा कुछ भी नहीं इसको है, इतना गुड़ नारियल का दूध में खर्चा है। लेकिन दूसरा क्या है कि अपने को हाथ चलाते रहने का मेहनत बहुत है इसमें बस। और लेकिन टेस्टी एकदम टेस्टी, सबसे अच्छी मिठाई बम्बे वाली मिठाई, मुलुक वाली मिठाई बम्बे वाले से अच्छी मिठाई, इसको बोलते दूधेली। रमांद्री अभी देखो गाढ़ा हो गया है ना, देखो दिखा ऐसा चम्मच चला, ये देखो गाढ़ा हो गया ना, अभी इसमें ये गाढ़ा दूध डालेंगे। हाँ डालते जाएंगे घोटते जाएंगे, डालते जाएंगे घोटते जाएंगे, क्योंकि देखो नीचे लगना नहीं मांगता, बहुत मेहनत है इसमें। लेकिन इतना खाते जाओ ऐसा बहुत मेहनत बोल के डरा रहे तुम, बनाने वाले नहीं बनाएंगे। बनाएंगे मेरी हफ्सा बनाती तुम सब बना सकते ना। हाँ मतलब हफ्सा तुम्हारी सबसे आलसी है, वो बना रही है तो सब बना सकते, ऐसी बोलना चाह रहे ना। मैं समझ लो मेरा इतना चैनल चला रही, घर संभाल रही, बच्चों को संभाल रही, तो मैं उसको कैसा बुरा बोलूं। वो सारी दुनिया को दिखता है, मेरे को देख रही है, मेरा कर रही है, और क्या चाहिए। देखो घुटते रहने का, घुटते रहने का, घुटो घर में बच्चों को घुटने लगा नहीं। अब्बास आ जा देखो, अभी अब्बास आया घुटने के लिए, देखो अब्बास घुटने लगा अभी। जब तू थक जाएगा तब मुझे बोलना, ठीक है। रमांद्री अभी देखो गाढ़ा हो गया है ना, देखो दिखा ऐसा चम्मच चला, ये देखो गाढ़ा हो गया ना, अभी इसमें ये गाढ़ा दूध डालेंगे। हाँ डालते जाएंगे घोटते जाएंगे, डालते जाएंगे घोटते जाएंगे, क्योंकि देखो नीचे लगना नहीं मांगता, बहुत मेहनत है इसमें। लेकिन इतना बहुत मेहनत, खाते जाओ ऐसा बहुत मेहनत बोल के डरा रहे तुम, बनाने वाले नहीं बनाएंगे। बनाएंगे मेरी हफ्सा बनाती तुम सब बना सकते ना। हाँ मतलब हफ्सा तुम्हारी सबसे आलसी है, वो बना रही है तो सब बना सकते, ऐसी बोलना चाह रहे ना। मैं समझ लो मेरा इतना चैनल चला रही, घर संभाल रही, बच्चों को संभाल रही, तो मैं उसको कैसा बुरा बोलूं। वो सारी दुनिया को दिखता है, घुटते रहने का, घुटो घर में बच्चों को घुटने लगा नहीं। अब्बास आ जा चल चला। देखो अभी अब्बास आया घुटने के लिए, देखो देखो अब्बास घुटने लगा अभी। जब तू थक जाएगा तब मुझे बोलना, ठीक है। देखो डेढ़ घंटा हो गया, अब मेरी गुड़िया, हम लोग थक गए, अब मेरी गुड़िया घोट रही। देखो अब्बास घोटा, गुड़िया घोटी, अफसा घोटी, मैं घोटी, अब देखो गुड़िया थक गई तो हम लोग लेंगे। देखो ऐसा सर्रा भी चम्मच चलाने का छोड़ने का नहीं, इतना टेस्टी लगता है ये, बना के देखो फिर बताओ हमें कैसा। अच्छी आती है खुशबू, बहुत अच्छी आती मेरी गुड़िया बोलती है। बाप रे कपड़े से पकड़ रही, देखो अरे मेरी छोटी गुड़िया, अरे वो अपने पसीना भी आ गया उसको घोटते घोटते। खुशबू कैसे आती बता, बता खुशबू कैसे, कैसी खुशबू आती दिखाओ। बहुत अच्छी आती है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, नीचे जा लो लग जाएगा। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। पौने दो घंटा हो गया, देखो अभी गाढ़ा हो रहा है, अभी इसमें दालचीनी की पाउडर, इलायची की पाउडर डाल दो, अभी और घोटेंगे और आपको बताएंगे कैसा कभी होगा ना पूरा, जब बताएंगे पलट में लेके। रुकने का नहीं, घोटते रहने का, घोटते रहने का। देखो मेरा अब्बास घोट रहा है, हम लोग थक गए, हमारे हाथ दुखने लगे, मेरा अब्बास घोट रहा है। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो घंटा हो गया, अब ये घुटने लगता है ना तो समझने का दूधेली हो गया। कलर देखो
कलर कैसा हो गया देखो। अब ये और घोटेंगे उसको, और घोटेंगे कि प्लेट में डालने के बाद नीचे गिरना नहीं चाहिए ऐसा होना। रमानी अभी दूधेरी पकी क्या चेक करेंगे, प्लेट में डालने का, थोड़ा टाइम रुकने का, उसके बाद उसको प्लेट को उल्टा करने का, अगर वो गिर गई तो नहीं पकी और नहीं गिरी तो पक गई। अभी थोड़ा रुकने का। बिस्मिल्लाह रमानी दूधेरी सेट हो गई, देखो प्लेट से नीचे नहीं गिर रही है, देखो पलटी करे तो भी नहीं गिर रही है, इसे इसको समझने का दूधेरी पक गई। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। इतना पका है कि नारियल का तेल भी दिखने लगता है, देखो आप देखो बराबर कितना बनेगा वो देख दिखाएंगे। हाथ हटाओ हाथ हटाओ। जैसा गुड़ रहता ना वैसा कलर आता है, अपने पास जैसा गुड़ था वैसा कलर आया। अरवा अगर लाल गुड़ रहते लाल कलर आता, लेकिन दूधेरी का कलर ऐसा ही होना चाहिए चॉकलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी खसखस डालेंगे, अगर बाहर भेजने की रहेगी ना तो खसखस नहीं डालते हैं, एयरपोर्ट से वापस आते हैं। अभी आपको घर में खाने की है या इधर इंडिया में खाने की है तो खसखस डालने की। ये देखो बस अभी इसको सेट होने के लिए साइड में रखेंगे, टुकड़े निकालेंगे जब बताएंगे। कितना टाइम रखेंगे सेट होने के लिए? आधा घंटा बस हो जाता है, गाँव में पूरी रात रखते थे सुबह काटते थे, इधर आधा घंटा बस हो जाता है। आधा घंटा हो गया, दूधेरी सेट हो गई एकदम फर्स्ट क्लास। देखो गांव में क्या करते थे मेरी माँ, दूधेरी सब औरत लोग मिलके बनाते थे और थाले में ये करके रखते थे, सेट करके सुबह आके काटते थे। मेरी अरवा खा रही दूधेरी, देखो कितनी अच्छी लग रही है, इतनी टेस्टी लग रही है ऐसा लगता है खाते जाऊं, लेकिन बनी कितनी रहे, पाव किलो आटे की कितनी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हो, अल्लाह पाक परवरदिगार आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह पाक परवरदिगार आपको सारी दुनिया की खुशियां मिले, अल्लाह पाक परवरदिगार मेरी अरवा ने दूसरा टुकड़ा ली देखो माशाल्लाह, खाओ खाओ। हालत खराब हुआ, लेकिन मेरी अफसा की हालत बहुत खराब हुई, वो घोटने के लिए बहुत पिए जाते हैं, बाकी खर्चा कुछ भी नहीं, मेहनत भी होता है। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी हर मुसीबत परेशानी खलास करे, अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारा हर टेंशन फ्री करे, अल्लाह पाक परवरदिगार तुमको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारे घर में खुशियों की बहार आए, अल्लाह पाक परवरदिगार जो मेरा चैनल देखते हैं उनके लिए मैं दुआ करती, नहीं देखते उनके लिए भी दुआ करती, सारी दुनिया के लिए
दुआ करती सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। जो लड़कियाँ शादी की बैठी है उसकी शादी होने दो, अपने ससुराल में जाके अपने माँ बाप का नाम करने दो। जो लड़की एक नौकरी पे नहीं उनको नौकरी मिलने दो, पाबूद वाली नौकरी मिलने दो, उनके माँ बाप को खुश रहने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसको की गोद ने भरी उसको साहिब औलाद होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार अल्लाह पाक परवरदिगार जो बीमार है वो हॉस्पिटल से घर पे आने दो, उसको उम्र दराज होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरी दुदेरी को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। देखो देखो कितना अच्छा बना, एकदम फर्स्ट क्लास। टेस्टी बनाओ, टेस्टी खाओ।